नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है सच्ची संपदा एवं विभूतियाँ। धन, यश, स्वास्थ्य, विद्या, सहयोग आदि विभूतियों के आधार पर इस संसार में नाना नाना प्रकार की संप्रदाय और सुविधाएं प्राप्त की जाती है और यह विभूतियाँ मनुष्य की मानसिक स्थिति के अनुरूप आती या चली जाती। भाग्य, देवता, ईश्वर, परिस्थिति आदि को भी दुख सुख का कारण माना जाता है, पर थोड़ी और गहराई तक जाने पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भाग्य एवं ईश्वर का वरदान एवं अभिशाप भी मनुष्य के अपने विचारों एवं कार्यों के आधार पर ही प्राप्त होता है। न तो ईश्वर अन्यायी है और न भाग्य लिखने वाला विधाता बावला है, जो जिसका प्रारंभ बिना विचारे चाहे जैसा लिख डाला करे। इस बाह्य जगत में अव्यवस्था ला चल भी सकती है। यहाँ रिश्वत, पक्षपात या भूल चुक की गुंजाइश रहती है, पर सूक्ष्म जगत में ईश्वरीय विधान एवं कार्य फल के क्षेत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी संभव नहीं है। वहाँ मनुष्य का कर्तव्य ही परखा जाता है और उसी आधार पर प्रारंभ का निर्माण किया जाता है। वस्तुतः पुरुषार्थ ही प्रारंभ बनकर सामने आया हुआ है। आज का पुरुषार्थ अगले कल प्रारंभ बनने का वाला है। कर्म और उसका फल मिलने में देर सवेर का जो अंतर रह जाता है, वही भाग्य और ईश्वर को हमारे कर्म के बाहर की कोई स्वतंत्र वस्तु मानने का भ्रम पैदा करता है। वस्तु कर्म ही प्रधान है, उसी का नाम आगे पीछे भाग्य बन जाता है। मीठे दूध का नाम गुण और रूप भी तो समय अनुसार बदल कर खटे गांडे दही के रूप में हो जाता है। प्रारंभ और पुरुषार्थ का अंतर भी दूध और दही जैसा ही नाम मात्र का है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।